ये देखिए स्टार्ट हो गया। हेलो गाइस, आज फिर हम आपके लिए एक धांसू प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। ये है फोर वे रिमोट कंट्रोलर स्विच। इस प्रोजेक्ट को आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, जिसे आप अपने घर में कोई भी फैन या लाइट को कंट्रोल कर सकते हो बिना स्विच को टच किए सीधा रिमोट कंट्रोल से। वेल, दिस इज़ फोर वे स्विच। आप इस सिस्टम पर लाइट, फैन या कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हो और उन सब चीज़ों को सीधा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो 20 मीटर के डिस्टेंस से। आपको इस सिस्टम के साथ एक RF रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। आज हम इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और समझेंगे इसकी वायरिंग कैसे होती है और किस तरीके से ये काम करता है। पूरी वीडियो डिटेल में बनाई गई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। आप इस प्रोजेक्ट को अपने घर, ऑफिस, होटल और भी बहुत जगहों पर लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और कनेक्शंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें से दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर क्या है। और अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर लीजिए। और अगर आपको उसके कनेक्शन के बारे में नहीं पता है तो वो भी आपको इसका मैं बता दूंगा टोटल प्रॉपर जो कनेक्शन है। वैसे तो उसके ऊपर डायग्राम भी दिया होता है, लेकिन कई बार इसके समझ में नहीं आता लोगों के, तो मैं आपको बहुत ईजी वे में आपको समझाऊँगा। वेल, वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरे तरीके से। ये इसका कुछ कनेक्शन हैं, ये 4 पॉइंट है इसके, ये देख लीजिए आप आसानी से। 4 पॉइंट है, आप इसको ये आपको कनेक्शन करने हैं, जैसे यहाँ को आपको दिखा रखा है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके मेन हैं जो लाइट में जाएंगे, मेन व सब मेन सप्लाई के लिए। इसका न्यूट्रल हो गया, इस न्यूट्रल के साथ ये 4 पॉइंट हो गए। और ये इसका जो वाइट वायर है, ये इसका एंटीना के लिए होता है। और ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, मतलब ABCD इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 चीज़ों को आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें से फंक्शनलिटी है कि अगर आप ये 2 टाइम ये दबाएंगे तो जो भी आपने इस सिस्टम पर अप्लाइंसेस सेट किया है वो पहली बार दबाने से ऑन होगा, दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो चारों अप्लाइंसेस एक साथ में ऑन हो जाएंगे, अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो चारों अप्लाइंसेस आपके एक साथ में ऑफ हो जाएंगे। तो इसकी अगर मैं, इसके अंदर बैटरी है 230 एम्पियर की बैटरी है 12 वोल्ट के लिए। तो चलिए मैं आपको उसको चला कर दिखा देता हूँ। और ये इसका स्टैंड है, जैसे कि आप मतलब अगर आप बेड वगैरह पर पड़े हो तो ऐसे ऐसे वहाँ पे फिट कर सकते हो। फिट करने के बाद ये ऐसे वहाँ पे इसको इजीली रख सकते हो। ये इसके स्टैंड होता है, यहाँ पे इसके जो 2 स्क्रू होते हैं वो टाइट करे जाएंगे और ऐसे ऐसे फिटिंग आ जाती है। बहुत अच्छा सिस्टम है, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत इसके जो कनेक्शन है वो बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप इसको आराम से अपने घर में लगा सकते हो और कोई भी चीज़ें या कोई भी सिस्टम आप आराम से इसको इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये 100 वाट का बल्ब होता है हमारा, 220 वोल्ट के लिए होता है। एक ये आपको जला के दिखाएंगे सिस्टम पर। और ये मोटर है हाफ HP, ये वाटर पंप मोटर है, ये भी आपको मैं इस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन आपको डायग्राम में भी मैं आपको समझा दूंगा, बाकी तो आप ये बहुत इजी वे है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, आपको इजीली आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके जो कनेक्शन होंगे वे इस प्रकार होंगे, ब्लैक और रेड, ये इसका ये मेन होगा, मेन सप्लाई के लिए। और आपको ऐसा करना है कि जो न्यूट्रल है हर फेस के साथ, हर अप्लाइंसेस के साथ एक वायर जो इसमें है वो अटैच करना है। जैसे कि सपोज करिए हमको एक बल्ब इससे कंट्रोल करना है, तो उसका जो मैं ये फर्स्ट वायर है, आप वायर कोई सा भी ले सकते हो,
एसी के लिए कोई डीसी प्लस माइनस नहीं होता, वो डीसी के लिए होता है। तो इसमें आप कोई सा भी वायर जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक वायर जोड़ लेना है, और उसके बाद ये तो आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये न्यूट्रल है। मैं सपोज करिए मैं इसको जो ब्लू वायर है इसके साथ अटैच करता हूँ इस तरीके से। ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं मोटर का कनेक्शन। इस मोटर का कनेक्शन भी इसी प्रकार होगा। आपको न्यूट्रल के साथ हमेशा एक न्यूट्रल में जोड़ना है। इससे जितने भी अप्लायंसेस आप लगाओगे, इसमें फैन हो या ट्यूब का लाइट कुछ भी हो सकता है आपका, तो आपको हमेशा एक ही कनेक्शन आपको यहाँ से देना है। और आप थोड़ा कंफ्यूज अगर हुए तो आप सोच रहे होगे बोर्ड में, इसके जो बोर्ड होता है लाइट इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमारा बोर्ड होता है कमरे के अंदर लगा हुआ, उसको कैसे कनेक्शन करेंगे। तो अगर आपका जो कमेंट आया हमारे पास, आपके जो कमेंट, जितने भी कमेंट आपके हो गए, उसके हिसाब से हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी बोर्ड के माध्यम से समझा देंगे। बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन होगी किस तरीके से होगी, वो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये चलिए मोटर का मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। अब ये आपका इसके न्यूट्रल के साथ इसको भी ऐसे अटैच करना है, ठीक है। अगर आपको ये काम करना है तो बहुत आपको सावधानी बरतनी होगी, ये क्योंकि आपको शॉक्स भी लग सकता है। तो आप अगर अपने घर पर ये काम करते हो तो थोड़ा आप हिफाजत के साथ करें, जिससे कि आपको शॉक ना लगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है किसको भी मतलब बखस्ती नहीं है। तो इस तरीके से ये भी इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बहुत आसान है, ये टू अप्लाइंसेस और बच चुके हैं। भाई मैं कनेक्शन सबके सेम ही होने, अगर आप तीसरा जो अप्लाइंस लेगे उसका एक वायर यहाँ पे जोड़ना है, और दूसरा यहाँ पे, चौथा अप्लाइंसेस लेगे उसका भी एक वायर यहाँ पे जोड़ना है और एक यहाँ पे। तो जैसे इसी तरीके से इसके जो कनेक्शन है फोर वे है, ये फोर चैनल का जो सिस्टम है। तो ये हमारे फाइनली दो टू अप्लाइंसेस के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से करने हैं, जो भी चीज़ आपको उससे रन करनी है कंट्रोलर के माध्यम से, कंट्रोलर के द्वारा ये सिंपल से कनेक्शन है, जिससे आपको भी ऐसे ही करने हैं। अगर आपको कोई भी अप्लाइंसेस इससे कंट्रोल करना है वो रिमोट के साथ, वो इसी तरीके से कनेक्शन हो गए। तो चलिए मैं आपको अब इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसकी मेन वायर ली, और ये मेन जो वायर है ये रेड और ब्लैक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसकी मेन वायर है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं तो एक एज ए डेमो के लिए आप इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो आप थोड़ा सावधानी के साथ काम करें, तो आपका काम डेफिनेटली राइट होगा। ये मैं इसको कोड के अंदर प्लग इन कर दिया है, ये हुआ मेन वायर हो गया। ये इसका जो अलग से तो मैं अलग थोड़ा दूरी बनाए कर देता हूँ, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अब हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। चलो मैं इसको शुरू करता हूँ। तो ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। मैं अभी सब कुछ बंद कर देता हूँ, ये देखिए। अभी देखते हैं कौन से स्टार्ट हो रहा है। ए से बल्ब स्टार्ट हो रहा है, और बी से तो चलिए दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। ये मोटर बहुत हिल रही है, मतलब ये वन हुआ हमारा, और ये हमारी मोटर चल गई है। ये देखिए मोटर चल रही है। अगर इसको ही बंद करता हूँ हो गया।
इससे अलग अलग चलेंगे। जो भी अप्लाइंसेस आपको 4 अप्लाइंसेस से अलग अलग कंट्रोल होगे, अगर आपको एक साथ सब कुछ चलाना है तो उसे ऑन कर दीजिए, सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी जितने भी आपने उसके साथ कनेक्शन किया है, और इसे ऑफ करने से सारी एक साथ ऑफ हो जाएगी। ऑफ बटन प्रेस करने से सारी चीज़ें एक साथ ऑफ हो जाएगी, और ऑन बटन प्रेस करने से सारी चीज़ें एक साथ ऑन हो जाएगी।